आज 18 मई को हम वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मना रहे हैं, और वर्ल्ड म्यूज़ियम डे जो है ये सबसे पहले 1978 में मनाना शुरू किया गया, और पूरे दुनिया में जो हेरिटेज की कंजर्वेशन की बात होती है उसके मैसेज से वर्ल्ड म्यूज़ियम डे मनाने की शुरुआत हुई है। और ये सबसे पहले जो 20 मुल्कों में मनाया गया, अब तो पूरी दुनिया में सारी जगह इसको मनाया जा रहा है। और मकसद इसका ये है कि जो हेरिटेज की अवेयरनेस है वो म्यूज़ियम्स के थ्रू जो है वो सोसाइटी में, यूथ में उसको फैलाया जाए, और लोगों को पता लगे कि म्यूज़ियम में आज जाके देखें हमारी हिस्ट्री क्या है, हमारा कल्चर क्या है, कितना ग्लोरियस रहा है, उसके बारे में जानें, उसको पहचानें, और इसके बारे में जो है आगे अवेयरनेस फैलाई जाए। तो चूंकि ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर है विच लुक्स आफ्टर द कल्चरल हेरिटेज ऑफ J&K, ये डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर थ्रू आउट इंडिया, थ्रू आउट वर्ल्ड होते हैं, जो हमारे हेरिटेज के मुताबिक चीज़ों को देख रहे हैं। तो चूंकि हम ग्लोबली ऑल थ्रू द वर्ल्ड होते हैं, जो म्यूज़ियम्स होते हैं, तो वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोब, तो हम भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे में। इसमें हमने दो एग्जीबिशंस लगा दी हैं आज के दिन को लेके। एक हमारी फोटो एग्जीबिशन है रिलेटेड टू मोन्यूमेंटल ग्लोरी ऑफ J&K इन कोलैबोरेशन विद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया श्रीनगर सर्कल, और दूसरी हमारी एग्जीबिशन हो रही है पेंटिंग्स के लिए। तो वो हमने मिनिएचर पेंटिंग जो यहाँ पे SPS म्यूज़ियम में है, विच वी हाउस इन SPS म्यूज़ियम, वो हमने लगा दी है इनसाइड द कैंपस, इनसाइड द मेन बिल्डिंग। तो आप यहाँ आ जाइए, मेरी सबसे दरखास्त है, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि वो आज के दिन आ जाइए। सेंसिटाइज लोग हो जाएंगे, अवेयर लोग हो जाएंगे, ना ही यूथ जो है वो अवेयर हो जाएगी रिगार्डिंग द हेरिटेज विच वी हैव हाउस्ड इन SPS म्यूजियम, सो दैट दे कैन नो अबाउट द वैल्यू, अबाउट द कल्चरल लेगेसी वी आर हैविंग इन द SPS म्यूजियम। आज हमने ये इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम 2024 में डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम के साथ कोलैबोरेशन में दो थीम्स एक्चुअली यहाँ पे हमारी, एक फोटो एग्जीबिशन है मोन्यूमेंटल ग्लोरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो ASA कंडक्ट कर रहा है, और दूसरा है हमारा स्पेशल एग्जीबिशन ऑन मिनिएचर पेंटिंग्स जो SPS म्यूजियम ने अपने पास कलेक्शंस है उनको डिस्प्ले पे रखा गया है। पर्पस हमारा यही है इंटरनेशनल डे ऑफ म्यूजियम पे एजुकेशन के लिए है कि कैसे साइंटिफिक टेम्परामेंट हम छोटे बच्चों में जगा सकें, उनको पता चले कितना डाइवर्स कल्चर है हमारा, और ये कैसे एक मॉन्यूमेंट से जो चीज़ें निकलती हैं, जब एक मॉन्यूमेंट किसी कारण ख़त्म हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो कैसे वो आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग आर्टिफैक्ट्स, अलग अलग मैन्यूस्क्रिप्ट्स, अलग अलग पेंटिंग्स आके एक संग्रहालय में, एक म्यूज़ियम में आके ये रखी जाते हैं, जो एक डिफरेंट कल्चर को, एक एटलीस्ट 5,000 साल के कल्चर को वो डिपिक्ट करता है वहाँ पे। अगर हम SPS म्यूज़ियम की बात करें तो यहाँ पे हमें एक बुरजोम से लेके जो नियोलिथिक साइट है 2500 BC से लेके मुगल पीरियड और डोगरा पीरियड तक का हेरिटेज हमें यहाँ मिलता है। तो हमने ये बच्चों को भी यहाँ बुलाया इसी पर्पस से ताकि वो देख सके कितना डाइवर्स कल्चर है हमारे पास, और यही उद्देश्य है म्यूजियम डे का। Really, we were very excited to see all the staff inside, and we are here to celebrate the International Museum Day, which tells us about the history of Kashmir, about our past, and it's really whatever we saw inside. It's very, very nostalgic, I'd say. एंड या एवरीथिंग वाज रियली गुड, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, पहली बार आए यहाँ पे, यहाँ बहुत सारी हमें नई चीज़ें देखने को मिली, हमें बहुत अच्छा लगा ये सब देख के, यहाँ बहुत सारी पुरानी चीज़ें हमें देखने को मिली जो हमने पहले कभी नहीं देखी थी, आज देखा बहुत अच्छा लगा, और हम चाहते हैं कि ऐसे ही और भी इवेंट्स हो जिससे हमारी नॉलेज में इजाफा हो।